स्वागत है आप सभी का टेक्निकल विचार चैनल में। एंड आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 30,000 से शुरू करके 35,000 के रेंज में सबसे बढ़िया कुछ स्मार्टफोन्स। एंड इस प्राइस सेगमेंट में आपको एक से बढ़कर एक फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन मिलेंगे। एंड मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप 30,000 के ऊपर कोई स्मार्टफोन ले रहे हो तो आप प्राइस के पीछे मत भागो, आप स्पेक्स के पीछे भागो। कौन सा स्पेक्स कौन से प्राइस में सबसे वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होगा वो मैं आज आपको बताऊँगा। एंड वीडियो तो आप देखते हो लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। 78% जो व्यूअर्स है वो वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब तो फ्री ही है। एंड ये जो लिस्ट है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैं पिछले वीडियोस में जितना फास्ट बोला था उससे स्लो बोलूँगा, लेकिन आपको ये जो लिस्ट है वो शायद आपके लिए सबसे वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन चूज़ करने में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं लिस्ट की तरफ। लिस्ट में सबसे पहले जिस स्मार्टफोन का नाम आता है वो है नथिंग फोन 1, यानी कि 2022 का सबसे मोस्ट हाइप्ड स्मार्टफोन। एंड यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G+। एंड मैं आपको ये स्मार्टफोन रिकमेंड नहीं करता क्योंकि यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 8 सीरीज़ का चिपसेट ज़्यादातर वक्त देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस फ़ोन में एक यूनिक चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पर आपको इसका जो बैक देखने को मिल जाएगा वो है एक स्पेशल लाइटिंग बैक। एंड यहाँ इसको जो नथिंग कहता है वो है क्लिप इंटरफेस, जो देखने में बहुत ही कमाल का लगता है। एंड यहाँ पर आपको 4500 mAh का बैटरी मिल जाता है विथ 33W फास्ट चार्जिंग। उसके साथ यहाँ पर आपको एक 6.55 इंच फुल HD सुपर AMOLED स्क्रीन मिलता है जिसका रिफ्रेश रेट है 120Hz। एंड ये एक 10-bit का डिस्प्ले है। एंड यहाँ पर आपको 50MP का ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा एंड 60MP का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। लेकिन नथिंग आपको यहाँ पर चार्जर प्रोवाइड नहीं करता है, तो चार्जर के लिए आपको अलग से पैसे देना होगा। एंड इसका जो 8+128GB वेरियंट का प्राइस है वो है 31,999। एंड 8+256GB जो वेरियंट आप ले सकते हो उसका जो प्राइस है वो है 34,999। तो लिस्ट में नेक्स्ट जो स्मार्टफोन आता है वो है मोटो H20 Pro। एंड यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870, जो बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। उसके साथ इसका जो सस्टेन परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही कमाल का है। एंड यहाँ पर आपको 4500 mAh का बैटरी मिल जाता है विथ 30W फास्ट चार्जिंग। एंड एक 6.7 इंच फुल HD सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलता है जिसका रिफ्रेश रेट है 144Hz। एंड ये जो पैनल है वो 10-bit का सुपर AMOLED पैनल है, जो बहुत ही कमाल का बात हो जाता है। एंड बहुत ही कलर एक्यूरेट पैनल ही हो जाता है, बहुत ही जो कलर डेप्थ है यहाँ पर बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। उसके साथ यहाँ पर आपको 108MP प्लस 16MP प्लस 8MP, यानी कि प्रॉपर जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड सेल्फी में भी कोई कमी नहीं छोड़ा है मोटोरोला ने, वहाँ पर भी आपको 32MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको ये जो स्मार्टफोन है वो इस लिस्ट में इकलौता स्मार्टफोन है जो 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसका जो 8+128GB वेरियंट का प्राइस है वो है 32,999। तो लिस्ट में नेक्स्ट जो स्मार्टफोन आता है वो है Xiaomi 11T Pro। एंड यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा वो एकदम फ्लैक्सिक ग्रेड प्रोसेसर है, जो है स्नैपड्रैगन 888। एंड यहाँ पर आपको 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है विथ 120W फास्ट चार्जिंग। तो इस लिस्ट में ये एक इकलौता स्मार्टफोन है जहाँ पर आपको 120W का फास्ट चार्जिंग मिलता है। एंड इस लिस्ट में ये एक इकलौता स्मार्टफोन भी है जहाँ पर आपको OIS नहीं मिलता है। तो EIS है, वो EIS से ही आपको काम चलाना होगा अगर आपको बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग एंजॉय करना है। एंड 10-bit का AMOLED डिस्प्ले भी मिल जाता है विथ 120Hz रिफ्रेश रेट। एंड ठीक ठाक सा कैमरा सेटअप भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसका जो 8+128GB वेरियंट का प्राइस है वो है 33,490। लेकिन अगर आपको 33,500 के आसपास एक मोबाइल चाहिए जहाँ पर आपको OIS मिले कैमरा में, तो आप Realme GT Neo 3 को कंसीडर कर सकते हो। वहाँ पर आपको 50MP का जो मेन कैमरा है वो आता है सोनी IMX766 सेंसर के साथ, जो बहुत ही अच्छा फोटो वीडियो खींच लेता है। एंड उसके साथ वहाँ पर आपको OIS भी देखने को मिल जाएगा। एंड इसका जो स्पेक्स है वो भी ठीक ठाक सा है। ये जो डायमेंसिटी 8100 का चिपसेट यहाँ पर मिलता है उसको आप इक्विवेलेंट टू 888 कह सकते हो। इसका जो 8+128GB वेरियंट का प्राइस है वो है 33,540। तो लिस्ट में नेक्स्ट जो स्मार्टफोन आता है वो है IQOO 9 SE। एंड 35,000 के नीचे मुझे लगता है यही सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888। एंड 888 प्रोसेसर है, इसीलिए आप जो ग्राफिक इंटेंसिव टास्क है वो आप आराम से यहाँ पर कर सकते हो। एंड डेली का जो काम है वो भी ये प्रोसेसर आराम से निकल के देगा। एंड ये जो प्रोसेसर है वो बहुत अच्छे से गेमिंग आपको करवा के देगा। अगर आप गेमिंग क्रिएटर हो
तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से गेमिंग कर पाओगे। उसके साथ यहाँ पर आपको 4500 mAh के बैटरी मिल जाते हैं विद 66W फास्ट चार्जिंग एंड आपको एक 6.62 इंच फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जिसका रिफ्रेश रेट है 120Hz। उसके साथ यहाँ पर आपको 48MP प्लस 13MP प्लस 2MP का रियर कैमरा सेटअप एंड 16MP फ्रंट कैमरा सेटअप भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो 8+128GB वेरिएंट का प्राइस है वो है 33,990 एंड मुझे लगता है 35,000 तक जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। 35,000 के नीचे यही आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस हो जाएगा। अगर आपको 35,000 के नीचे कोई सैमसंग का फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेना है तो आप सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G को कंसीडर कर सकते हो। वहाँ पर आपको जो प्रोसेसर मिलेगा वो मिलेगा स्नैपड्रैगन 865 जो थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है, लेकिन आपका 8 सीरीज़ का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का तो परफॉर्मेंस आपको अच्छा खासा निकाल के देगा। उसके साथ यहाँ पर आपको बैटरी मिल जाता है 4500 mAh का एंड 25W का जो फास्ट चार्जिंग है वो ये फ़ोन सपोर्ट करता है, लेकिन 15W का जो चार्जर है वो सैमसंग आपको बॉक्स में प्रोवाइड करेगा। उसके साथ यहाँ पर आपको एक 6.5 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है जिसका रिफ्रेश रेट है 120Hz एंड ये 120Hz में रहता है, लेकिन एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है तो हर वक्त 120Hz पे नहीं रहेगा जो आपके बैटरी के लिए बहुत अच्छा बात हो जाता है। उसके साथ यहाँ पर आपको 12MP प्लस 12MP प्लस 8MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा जो बहुत अच्छा काम करता है एंड 32MP का सेल्फी कैमरा भी यहाँ पर आपको सैमसंग ने दिया है। इसका जो 8+128GB वेरिएंट का प्राइस है वो है 34,490। एट लास्ट 35,000 के नीचे मुझे सबसे बढ़िया जो स्मार्टफोन जिसको लगा वो है iQOO 9 AC एंड वन प्लस जो 10R 5G है। अगर आपको वन प्लस का स्मार्टफोन लेना है तो आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हो। इसका जो स्पेक्स है वो बिल्कुल ही सेम है Realme GT Neo 3 की तरफ, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आपका स्पेक्स बता के। इसका जो 8+128GB वेरिएंट का प्राइस वो है 34,999। लेकिन अगर आपको 35,000 के नीचे बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए जहाँ पर आपको कैमरा जो परफॉर्मेंस है वो एकदम कमाल का नेक्स्ट लेवल का मिले तो आप वीवो X60 को कंसीडर कर सकते हो। ये मैं आपको लास्ट में रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है फ़ोन वो थोड़ा पुराना है एंड ज़्यादातर वक्त स्टॉक में नहीं रहता है, तो इसीलिए मैं लेट में रिकमेंड कर रहा हूँ। एंड 8+128GB जो वेरिएंट का प्राइस है वो है 34,990। लेकिन अगर आपको इस प्राइस सेगमेंट में यानी कि 35,000 के नीचे पहली बार iOS जो एक्सपीरियंस है वो करना है तो आप एप्पल आईफोन AC 2020 को कंसीडर कर सकते हो। एंड इसका जो स्पेक्स है वो आप देख ही सकते हो कि क्या कुछ मिलता है इस फ़ोन में, लेकिन उससे भी ये बहुत ही कमाल का काम कर देता है। इसका जो 3+128GB वेरिएंट का प्राइस है वो है 34,999। तो ये था 30,000 से शुरू करके 35,000 के रेंज में सबसे बढ़िया कुछ स्मार्टफोन्स। एंड अगर आप इस लिस्ट में कोई भी स्मार्टफोन ऐड करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्ते।